नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। झारखंड में सियासी संकट के बादल अभी तक नहीं छटे हैं। अभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। और इस बीच आज यूपीए के सभी विधायक रायपुर से रांची लौट आए हैं। यूपीए के तमाम विधायकों को एकजुट रखने के लिए हेमंत सोरेन की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। और इसी कड़ी में कल सोमवार को हेमंत सोरेन सदन में विश्वास मत हासिल करने वाले हैं। रांची लौटते सभी विधायकों के लिए सर्किट हाउस में ठहरने का लग्जरी इंतजाम किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। सोमवार को सदन में क्या होने वाला है, विश्वास मत के क्या हैं सियासी मायने, सीएम सोरेन की क्या है स्ट्रेटजी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर झारखंड और पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। सोमवार को झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की एक दिन की विस्तारित कार्यवाही है। सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए रायपुर गए यूपीए के सभी विधायक विशेष विमान से रांची लौट आए हैं। यूपीए के सभी विधायकों की रांची के कचहरी स्थित परिसदन में रविवार की रात गुजरेगी। इन तस्वीरों में झारखंड में सियासी संकट को समझा जा सकता है। हालांकि हेमंत सोरेन को भरोसा है कि अगर जनता का साथ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि चारों तरफ से लोग लगे हैं कि नौजवानों को कैसे कमजोर किया जाए। उसे कैसे गिराया जाए। जिस तरीके से विपक्ष अपने षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है, वो सभी जाल कुतरे जाएंगे एक एक करके। उनके जो जाल इन लोगों ने हमारे लिए बिछाए हैं, उसी जाल में इनको समेट कर बाहर कर दिया। सोमवार को सदन में हेमंत सरकार विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करेगी। हेमंत सोरेन की इस सियासी स्ट्रेटजी पर बीजेपी ने सवाल दागे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पूछा, आखिर सरकार हड़बड़ी में क्यों है? जवाब कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम ने दिया। बोले, झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। आज मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि विशेष सत्र का आहूत की गई है, उसमें विश्वास क्या है भी? यहाँ जनता अकाल से ग्रस्त है, परेशान है। आज भी वह का स्थिति बना हुआ झारखंड में, और मैं समझता हूँ कि इसका जल्दी निराकरण होना चाहिए। और यह नहीं होता है तो लगता है कि ऊपर से ही झारखंड को अस्थिर बनाने के काम कर रहा है या वोट सेटिंग कराने का काम कर रहा है। 25 अगस्त से झारखंड में सियासी सस्पेंस बना हुआ है। यूपीए विधायक खूंटी के लतरातू में नौका विहार से लेकर रायपुर के रिजॉर्ट में मेहमान नवाजी तक का लुत्फ उठा चुके हैं। लेकिन सरकार की कुर्सी पर जो खतरा है वो टला नहीं है। सोमवार को विश्वास मत का पासा सीएम सोरेन की बड़ी स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की रात यूपीए विधायकों और विपक्ष के लिए लंबी रहने वाली है।